नमस्ते नो मजाक प्यारे छोड़ दिया आपको पता लग गया सॉरी मेरी जी हाँ प्यारे जल्दी आइए मेरी जी जल्दी आइए देखिए ना कितनी सुंदर पेंटिंग है अरे हाँ वाकई में बहुत सुंदर पेंटिंग है वाकई बहुत सुंदर काला कौवा काला कौवा काला कौवा कौवा तो काला ही होता है कौवा तो काला ही होता है हरे पेड़ पेड़ तो हरे ही होते पेड़ तो हरे ही होते झाड़ी ब्रिज झाड़ी ब्रिज की तरह ही होता है हाँ तो इसमें खास क्या है हाँ ऐसी पेंटिंग तो मैं अपने स्कूल टाइम पे बनाता था टाइम पास करते हुए बेंच पे बैठ के हाँ इसीलिए ड्राइंग छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में कभी पास ही नहीं हुआ वेल थैंक यू हंसो मत ये मत दुल्हन किसी और के घर पे आए हैं और कोई देखेगा कि तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो क्या सोचेगा मजाक उड़ा रहे हैं ये घोष बाबू पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है जो मुझे इतनी अच्छी लगी हाय आप इस पेंटिंग में रहती है हाँ तभी मुझे इतनी अच्छी लगी नाइस अरे प्रीतम प्यारे अरे पापा पापा पगड़ी पगड़ी यहाँ शादी तेरी बारात है यहाँ पे पगड़ी पहनेगा तू अरे सपना पा से कहाँ शुरू होता है लेकिन सपना में तो पा आता है अरे नहीं पेंटिंग आपको लगता मैं पेंटिंग बदलनी अरे मैं उस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ पता है उस पेंटिंग में काला कौवा है उस पेंटिंग पेड़ है उस पेंटिंग झाड़ी है उस पेंटिंग ब्रिज है नहीं उस पेंटिंग में एक औरत है औरत औरत और वो भूत है यारे नो मस्ती नो मजाक मेरी कितना डर गई है हालत देख उनकी देख नहीं रहा बेचारी कैसे कांप रही है कितना डरा दिया बोलने में हकला रही है आवाज पतली हो गई है प्यारे प्यारे देखो तुम्हें पहले भी समझाया ना कि मस्ती मत करो बच्चे डर जाएंगे नहीं नहीं मैं शरारत नहीं कर रहा हूँ मैं सच्ची कह रहा हूँ आपकी कसम मेरी मेरी जी मेरी मेरी जी सॉरी गलती से दो बार निकल गया
मेरी थी वहां मैं पेंटिंग के पास गया ना तो वहां पर कुछ नहीं था लेकिन बाद में ना उस पेंटिंग के अंदर एक औरत आ गई और वो मेरी तरफ देख के हंसने लगी। बच्ची को डराता है और यहाँ इस पेंटिंग के अंदर लड़की प्यारे अब तूने शरारत की तो पिट जाएगा मेरे हाथ से। मैरी जी डर जाती तो मैरी जी अगर आपको डर लगे तो आप मुझे वैसे ही पकड़ लेना जैसे मैंने आपको। भूतों से ज्यादा तो मुझे तुम दोनों से डर लगता है। You two are too much. मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। गायब ये गायब ये गायब सब मेरी नजरों के सामने से आज गायब क्यों हो रहे हैं? जब मैं आया था तब तो यार लड़की थी। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा। बेहतर है मैं ही यहाँ से गायब हो जाता हूँ। भूत बाबू, गोज बाबू, गोज बाबू, गोज बाबू। मालिक, जो लोग घर का भीतर आ गया है हम लोग जाके उसको खा क्यों नहीं लेता? आहार निकलने के पहले की जो तड़प है ना, उसका एक अलग ही मजा है। डुक 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 डमरू। किंतु मालिक, अगर ये लोग इधर से भाग गया तो आप आज भी भूखा रह जाएगा। मालिक जाकर दो तीन लोगों को खा तो लीजिए। कमर किसे खाना है, कितना खाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम दोनों चुपचाप बैठो। मैंने भूतरीना को भेजा है उन लोगों को देखने कि किस नस्ल के आहार हैं वो। फिर नस्ल के हिसाब से हम आहार को छांटेंगे, आपस में बांटेंगे और अपने लंबे नुकीले दांतों से उन्हें काटेंगे। दारा भूतरीना, कितने आदमी हैं? 3। लेकिन इसने तो कहा कि पूरी बस भर के खाना आया है। अब 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 अब। हाँ, कुछ बच्चे हैं, मगर बड़े सिर्फ 3 और उन तीनों में से एक मोटा है। मोटा आहार। I love मोटा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, उस मोटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो मेरा आहार है, उसे सिर्फ मैं खाऊंगा। उड़ी बाबा, मतलब मालिक आज बहुत मजा करेगा, भरपेट खाना खाएगा। मुझे भविष्य की आहट सुनाई दे रही है। क्या है भविष्य? भूतरीना बताओ क्या है भविष्य? सुनहरा भविष्य, खुशी की बात। 2 लोग और आ रहे। 2 लोग और? और उन 2 लोगों में से एक महामोटा। महामोटा? और वो महामोटा तुम्हारे हफ्ते भर का नहीं, महीने भर का कोटा। ये छोटा मोटा कैंसिल, इसे तुम लोग आपस में बांट लेना। अब ये महामोटा यही है मेरा कोटा। ये हवेली नहीं, ये तो खंडर है। लूट लिया उस गिरधारी के बच्चे ने, मुझे लूट लिया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा।
तभी मैं सोचू कि 9 करोड़ उसका बंगलो उसने 2 करोड़ में कैसे बेच दिया। एक एक पैसा मैं अपना वसूल करके रहूंगा। आप देखिए ऐसे टेंशन मत लीजिए वरना आपका बीपी हाइट में पहुंच जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। गिरधारी को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले अंदर चलते हैं और इस बंगले के मालिक से मिलते हैं। ओ गॉड, 1 घंटे से पूरा घर छान मारा लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया, थक गई मैं तो। हेलो प्रीतम, तुम्हें कोई दिखाई दिया? नहीं, एक्चुअली मैं इस घर के 4 चक्कर काट चुका हूँ और अभी तक कोई नहीं मिला। मतलब बेडरूम, बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, फिर बेडरूम, फिर बाथरूम, फिर वॉशरूम। एक मिनट, क्या क्या? 4 चक्कर काटे ना। गॉड, ओके प्यारे, आपको कोई दिखा? दिखा तो कोई भी नहीं, पर बहुत कुछ देखा। क्या? एक कमरे में डाइनिंग टेबल के आसपास कुर्सियां हवा में उड़ रही थी, दूसरे कमरे में बेड गोल गोल घूम रहा था, बाथरूम में नल खोला तो पानी की जगह 4-5 भूतों के हंसने की आवाज आ रही थी। अरे अंकल, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो कैसा होता है? सॉरी। बैठ बैठ। प्यारे 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 घोष बाबू नहीं मिले? कहाँ से मिलेंगे घोष बाबू? मैं कह तो रहा हूँ ना, ये बंगला मिस्टर घोष का नहीं, मिस्टर घोष्ट का है, भूत का बंगला। प्यारे, नो मस्ती नो मजाक। एग्जैक्टली। बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई भूत नहीं है, इस बंगले में भूत नहीं है, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में भूत नहीं है। मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। एक मिनट, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। ओके ओके। प्रीतम प्रीतम नहीं प्रीतम नहीं प्रीतम रुक जा, रुक मेरे भाई। नहीं प्रीतम नहीं प्रीतम प्रीतम रुक जा, तुझे मेरी कसम, रुक जा भाई, बाहर भूत है। देख प्यारे, चुप करके कोने में बैठ जा और डिसाइड कर ले कि भूत अंदर है कि भूत बाहर है। भूत अंदर है, भूत बाहर है। ये सोचा जाए तो भूत तो अंदर है क्योंकि बेल तो बजी है। भूत, मैंने कहा था बाहर भूत ही होगा। अपने जीजा जी है। वही तो प्यारे, तूने इन पर कुर्सी क्यों मारी? गलती से। जीजा जी हमें मारूंगी। अरे इन्हें तो चक्कर आ रहे हैं। जीजा जी आप आइए, जीजा जी आराम से, माफ कर दीजिए जीजा जी। जीजा जी वो प्यारे तूने क्या किया, इन्हें क्यों मारा? सॉरी उठाना जीजा जी, वो जीजा जी उन्हें दीदी वो, अरे नहीं वो क्या है ना, मुझे लगा। प्यारे तुम्हें नहीं लगा है, इन्हें लगा है। आराम से। वो मेरी जी, वो मेरी जी, मेरी, अरे क्या है जी? हाँ। वो मैंने सोचा कि क्या? मैंने सोचा क्या? एक मिनट, क्या सोचा? कुछ भी क्यों सोचा? अब जीजा जी को होश आएगा ना तो तेरा वो हल करेंगे जो असली भूत ने भी नहीं किया होगा। हे भगवान, इसका मतलब जीजा जी आज मेरी बैंड बजा देंगे? हाँ। नहीं नहीं, बेहतर है मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। Excuse me, you are so coming. Sorry. जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। हाँ हाँ। ये नहीं। निकालो, ये निकालो कोई। सारा खाना हॉल में परोसा जा चुका है। चलो चलकर शिकार करते हैं। मगर ख्याल रहे। ख्याल? कैसा ख्याल? तुम जिस भी इंसान को खाओगे उसके अलावा दूसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे खा लिया है।
एकदम बराबर बोलता है दादा, अगर शोर मचा के किसी को खाएगा तो बाकी सब लोग शोर सुनकर भाग जाएगा। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं ऐसा खाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चलो ये आवाज कैसी, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है जो तेजी से इस तरफ चला रहा है। अगर उसने हमें देख लिया और चीख के सबको बता दिया तो? चलो जल्दी छिप जाओ, चलो। अरे भूत लोग के साथ में रहके हमेशा भूल जाता है हम भूत नहीं है, दीवार का भीतर जाएगा कैसा। अरे दरवाजा खोलो कोई है। ऐसे ही डर रहा था, मुझे लगा कॉफिन है। उसे कमाल का सोफा बनाया, एकदम कॉफिन की स्टाइल में। जगह भी अच्छी है, काम करता हूँ, यही आराम कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक बार फिर से करके दिखाना। एक बार प्लीज 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 एक बार। कौन है आप? भूतों के बादशाह ने कहर मचाया, काला घोड़ा दारा कोयला। सॉरी गलती से आ गया, सॉरी। दरवाजा कहाँ है? Ah!
हमसे बचकर कहाँ जाओगे? जिधर भी जाएगा हमको ही पाएगा।